A right triangle whose sides are 3 cm and 4 cm other than hypotenuse is made to revolve about its hypotenuse. Find the volume and surface area of the double cone so formed. तो आप देखो ये मेरे पास राइट ट्रायंगल है, इसके दो साइड्स 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। बोला गया है अदर देन हाइपोटन्यूज, तो इसका मतलब ये है कि जो 3 सेंटीमीटर इन्होंने लेंथ दी है ये हाइपोटन्यूज के लिए नहीं है, 4 सेंटीमीटर हाइपोटन्यूज के लिए नहीं है। तो इस राइट ट्रायंगल में आप देखें ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पर ये 90 है, तो 90 के ऑपोजिट हाइपोटन्यूज है। तो ये जो हाइपोटन्यूज है ये 3 सेंटीमीटर नहीं है, ये 4 नहीं है, बाकी जो दो आपको साइड्स दिख रहे हैं वो 3 या 4 हैं। तो इस छोटे साइड को हम 3 ले लेंगे और इस बड़े साइड को हम 4 ले लेंगे, और हाइपोटन्यूज की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, फाइंड कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से कुछ देर के बाद। फिलहाल आप देख लें ये ट्राइंगल हो गया, ये राइट ट्राइंगल है, मतलब एक एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल मैंने 90 ले लिया है। दिस साइड इज 3, दिस साइड इज 4। बोला गया है कि इस ट्राइंगल को आप रिवॉल्व करो हाइपोटन्यूज के अबाउट। तो आप देखो ये हाइपोटन्यूज है, इसके अबाउट रिवॉल्व करना है, तो जिस लाइन के अबाउट आप रिवॉल्व करोगे वो लाइन अपनी जगह पर ही रहेगी, लेकिन लेकिन जो बाकी दो साइड्स हैं ना वो अपनी पोजीशन चेंज करना स्टार्ट कर देंगे। तो कुछ ऐसा होगा जब आप हाइपोटन्यूज के अबाउट इस ट्राइंगल को रिवॉल्व करोगे, ओके, कुछ यूँ होना शुरू हो जाएगा ये, ओके, कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। बेटर होगा कि इसके लिए आप कोई पेपर इसी शेप में कट करें और उसको हाइपोटन्यूज के अबाउट आप रिवॉल्व करना शुरू कर दें, और फिर आप इमेजिन करोगे कि दो कोन आपको दिख रहे होंगे, ओके। अब मैं दिखाता हूँ कि वो दो कोन्स कैसे दिखाई पड़ेंगे। देखो जो आप रिवॉल्व करोगे तो कुछ इस तरह का आपको स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा, ओके। अब आप इसमें देखो कि आपको दो कोन्स इस तरह दिख रहे होंगे, एक अपर पार्ट जो ये है ये भी एक कोन है, दिस अपर पार्ट इज अ कोन एंड दिस लोअर पार्ट इज अनदर कोन। तो इस तरह से आपको दो कोन्स दिख रहे हैं। आई होप जानते होंगे कोन देखने में कैसा लगता है। देख लो दिस इज कोन, ये कोन है, ओके। और वहाँ हमें पिक्चर में दो कोन्स दिख रहे हैं, मतलब एक कोन या नीचे की तरफ भी बन रहा है, ओके। आई होप ये क्लियर है। चलिए वापस आते हैं इस पिक्चर पर। तो इस पिक्चर में आपको बताया कि दिस वॉज 3 सेंटीमीटर, रिवॉल्व करने के बाद यही साइड इधर आ रहा है तो ये भी 3 होगा। दिस साइड वॉज 4 सेंटीमीटर, रिवॉल्व करने के बाद यही पार्ट इधर आ गया है तो ये भी 4 सेंटीमीटर है, ओके। चलिए इन पॉइंट से कुछ नाम मान लेते हैं, ए बी सी एंड डी। आप देखो ए बी की वैल्यू 4 है, बी सी की वैल्यू 3 है, लेकिन आपको ए सी नहीं मालूम है। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ करते हैं और ए सी फाइंड कर लेते हैं। आप देखो ट्रायंगल ए बी सी में एंगल भी 90 था क्योंकि ये राइट ट्रायंगल था। अगर एंगल भी 90 है तो आप यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हो, हर राइट ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। तो यू नो पाइथागोरस थ्योरम सेज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 90 के ऑपोजिट है, मतलब ए सी को हम बोल रहे हैं हाइपोटेन्यूज। मैं इस टाइम ट्रायंगल ए बी सी में हूँ, ध्यान रखिएगा। आप परपेंडिकुलर और बेस आप किसी को ही मान सकते हो, आप ए बी को परपेंडिकुलर मान लो, आप बी सी को बेस मान लो, आप इनमें स्विच भी कर सकते हो, आप बी सी को परपेंडिकुलर ए बी को बेस मान सकते हो, लेकिन हाइपोटेन्यूज फिक्स रहता है। आई होप ये क्लियर है। चलिए ए सी की वैल्यू पुट करते हैं। ए सी की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, सो हम लिखेंगे ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू 4 है और बी सी की वैल्यू 3 है, तो हम लिखेंगे 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। 4 स्क्वायर की वैल्यू 16 होती है, 3 स्क्वायर की वैल्यू 9 होती है, ए सी स्क्वायर की वैल्यू 25 हो गई, तो ए सी की वैल्यू स्क्वायर रूट 25 हो जाएगी, और स्क्वायर रूट 25 का मतलब 5 होता है, तो ये 5 सेंटीमीटर आ गया है। अब देखो ये जो ए सी है 5 सेंटीमीटर आ गया, पूरा ए सी 5 सेंटीमीटर है, ओके। लेकिन अगर आप इन दो कोन्स को अलग करोगे ना, तो आप इस पॉइंट के ऊपर की लेंथ आपको अलग पता होनी चाहिए और ये अलग पता होनी चाहिए, ओके। क्योंकि जो ऊपर कोन है उस कोन के लिए ये लेंथ हाइट है, और जो नीचे कोन है उसके लिए ये हाइट है। तो चलिए इस पॉइंट का पहले हम कुछ नाम रख लेते हैं, ये रख लेते हैं या पी रख लेते हैं। तो हमें ए से लेकर सी तक मालूम है 5 है, हमने फाइंड कर लिया है, बट वी डोंट नो कि ए पी कितना है, वी डोंट नो कि पी सी कितना है। तो ऐसा करते हैं कि हम ए पी को एक्स मान लेते हैं, ए पी को एक्स मान लेते हैं। ए से लेकर सी कितना है 5 है, हम फाइंड कर चुके हैं। ए से पी को मैंने एक्स मान लिया है, तो पी से सी कितना होगा, ये हो जाएगा 5 माइनस एक्स। आई होप ये क्लियर है, आप समझ गए ना। ए से सी 5 था, मैंने ए पी को एक्स मान लिया, तो पी सी 5 माइनस एक्स हो गया है, ओके। चलिए अब आप देखें कि ट्राइंगल ए पी बी, अगर आप देखोगे ना ट्राइंगल ए पी बी,
यहां से देखिए ट्रायंगल एपीबी में हाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बेस, सो ये एंगल 90 है. एंगल एपीबी एक राइट एंगल ट्रायंगल है. मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा, देन मैं ट्रायंगल बीपीसी में पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा ताकि मुझे ये बीपी पता चल जाए, क्योंकि बीपी रेडियस है इन दोनों कोन्स के लिए. दोनों कोन्स की रेडियस सेम है. ऊपर के कोन के लिए भी बीपी रेडियस है, नीचे के कोन के लिए भी बीपी रेडियस है. तो रेडियस का पता होना जरूरी है सरफेस एरिया या वॉल्यूम फाइंड करने के लिए. तो ट्रायंगल एबीपी में मैं यूज करूंगा पाइथागोरस थ्योरम. एन ट्रायंगल एबीपी मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करता हूं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. सो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम बोलती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. अब हाइपोटेन्यूज 90 के ऑपोजिट होता है. तो ट्रायंगल एबीपी में आप देखो ना, तो 90 डिग्री बन रहा है पी पर, मतलब हाइपोटेन्यूज होगा ए बी. तो आप लिखो ए बी स्क्वायर. परपेंडिकुलर में आप ए पी ले सकते हो और बेस में आप बी पी ले सकते हो. चलो जी ए बी की वैल्यू लिखते हैं. तो ए बी की वैल्यू 4 है. ओके, जब ट्रायंगल ए बी पी में आ जाओगे ना तो ए बी हाइपोटेन्यूज हो जाएगा. जब ट्रायंगल ए बी सी में रहोगे तो ए सी हाइपोटेन्यूज रहेगा. तो अगर ट्रायंगल चेंज होगा तो हाइपोटेन्यूज भी चेंज होगा. तो ए बी की वैल्यू 4 है, 4 स्क्वायर लिख दो आप. ए पी और बी पी, ए पी की वैल्यू को हमने एक्स माना है और बी पी वी डोंट नो. इसे हमने एक्स माना है और बी पी की वैल्यू वी डोंट नो. ओके, तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो बी पी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4 स्क्वायर मतलब 16 माइनस एक्स स्क्वायर. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है. हम चलते हैं दूसरे ट्रायंगल में, ट्रायंगल बी पी सी में चलते हैं. ट्रायंगल बी पी सी भी राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि एंगल पी यहाँ भी 90 है. तो इस ट्रायंगल में यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम. इन ट्रायंगल बीपीसी हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज बीसी है क्योंकि 90 के ऑपोजिट है ये. तो आप लिखोगे बीसी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बीपी स्क्वायर प्लस पीसी स्क्वायर. बीसी की वैल्यू 3 है तो 3 स्क्वायर आप लिख दो. बीपी की वैल्यू वी डोंट नो और PC की वैल्यू 5 माइनस एक्स स्क्वायर है. ओके, आप देख सकते हैं BC is 3, BP we don't know और PC 5 माइनस एक्स है. तो चलिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं. 3 स्क्वायर मीन्स 9. BP स्क्वायर की वैल्यू BP स्क्वायर ही लिखते हैं. 5 माइनस एक्स के होल स्क्वायर को एक्सपेंड करते हैं तो पहले 5 स्क्वायर लिखेंगे मतलब 25, देन एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस एक्स स्क्वायर, देन माइनस 10x आएगा. आई होप आपको a माइनस बी होल स्क्वायर ये आइडेंटिटी मालूम है जिसे मैंने यहाँ पर यूज किया है. अब आपको रेडियस चाहिए तो आप यहाँ आए और आप देखो यहाँ पर आपको bp स्क्वायर की वैल्यू मालूम है. अगर आप यहाँ x स्क्वायर की वैल्यू पता करना चाहें तो वही मिल सकती है. x स्क्वायर की वैल्यू होगी 16 माइनस bp स्क्वायर. तो आप x स्क्वायर की वैल्यू ये उठाकर इस इक्वेशन में पुट कर दो, 16 माइनस bp स्क्वायर. ओके, एक्स स्क्वायर, आई डोंट थिंक एक्स स्क्वायर से काम इजी बनेगा. तो बी पी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं. ओके, बी पी स्क्वायर की वैल्यू है 16 माइनस एक्स स्क्वायर. तो 9 इज इक्वल्स टू बी पी स्क्वायर मतलब 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x. माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया. 9 इज इक्वल्स टू 16 प्लस 25 होता है 41 माइनस 10x. 10x की वैल्यू हो जाएगी 41 माइनस 9, तो 10x की वैल्यू हो जाएगी 32 और x की वैल्यू हो जाएगी 3.2. जब 32 को आप 10 से डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू आपको मिल चुकी है. अब अगर x की वैल्यू 3.2 है तो मतलब AP 3.2 है और PC फाइंड करना है तो आप 5 माइनस 3.2 कर दो. ओके, आपको AP मिल चुका है. AP इज 3.2 सेंटीमीटर्स और PC फाइंड करने के लिए आप 5 माइनस 3.2 कर दें तो 1.8 सेंटीमीटर. ओके, रेडियस हमें अभी भी नहीं मालूम है लेकिन हम इसी इक्वेशन की हेल्प से रेडियस फाइंड कर लेंगे. बी पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर. बी पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर. बी पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 माइनस एक्स की वैल्यू 3.2 है तो आप 3.2 का होल स्क्वायर लिख दो. बी पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 माइनस 3.2 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो 10.24 मिलेगा आपको.
तो बीपी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 5.76, बीपी की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट 5.76 और ये हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। अब आप देखें जो बीपी है ना वो इसके लिए रेडियस है, रेडियस है, तो आपको रेडियस पता चल गई। हम चलते हैं ऊपर के कोण की तरफ और नीचे के कोण की तरफ, इनका वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं और टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हैं। चलिए मैं वॉल्यूम फाइंड करना शुरू करता हूँ। मुझे वॉल्यूम फाइंड करना है इस पूरे फिगर का, मतलब जो कोण ऊपर की तरफ बना है वो और जो कोण नीचे बन रहा है वो, दोनों का वॉल्यूम फाइंड करना है, पूरा सम फाइंड करना है। तो मैं को फर्स्ट कोन का वॉल्यूम फाइंड कर लूँगा और सेकेंड कोन का वॉल्यूम फाइंड कर लूँगा और इन्हें ऐड करूँगा तो मुझे टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा। कोन का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है 1/3 πr²h, तो मैं लिखूँगा 1/3 πr²h एंड दूसरे कोन के लिए भी मैं यही फॉर्मूला लिखूँगा 1/3 πr²h। फर्स्ट कोन की रेडियस को मैं r1 मान लेता हूँ, सेकेंड कोन की रेडियस को मैं r2 मान लेता हूँ, फर्स्ट कोन की हाइट को मैं h1, सेकेंड कोन की हाइट को मैं h2 मान लेता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा आप इसको सिंप्लीफाई यू भी कर सकते हो कि 1/3 π यहाँ भी है, 1/3 π यहाँ भी है, तो आप इसे कॉमन ले सकते हो 1/3 π को। अब ब्रैकेट में आपके पास r² r1² h1 + r² h2 मिलेगा। याद रखें r1 मतलब वो जो ऊपर कोन है उसकी रेडियस, h1 मतलब ऊपर के कोन की हाइट, और r2 और h2 ये नीचे बनने वाले कोन की रेडियस और हाइट है। तो 1/3 मैं लिखता हूँ और पाई की वैल्यू 3.14 लिख लेता हूँ। क्वेश्चन में पाई की वैल्यू गिवन नहीं थी तो आप कुछ भी ले लो, 3.14 लिखो या 22/7 लिख लो, ऐसा करने से आंसर में कोई ख़ास फर्क पड़ेगा नहीं। ओके, डेसिमल की कुछ वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं बस। सो 1/3 मैंने लिखा। अब रेडियस 1, तो इस ऊपर के कोन की रेडियस देखते हैं। तो ये जो ऊपर कोन है, पूरा कोन बन रहा है, इसकी रेडियस बी पी है और आप देखो हमने बी पी की वैल्यू फाइंड की है 2.4, तो रेडियस की जगह आप 2.4 लिखोगे, रेडियस की जगह हम 2.4 लिख लेते हैं, 2.4 स्क्वायर। एंड हाइट जो ऊपर की तरफ कोन बना है उसकी हाइट ए पी है एंड हमने हाइट फाइंड की थी 3.2, तो हम लिखते हैं 3.2 यहाँ पर, 3.2 प्लस r2 स्क्वायर मतलब दूसरे कोन की रेडियस, और रेडियस दोनों कोन्स की सेम है, यही रेडियस दूसरे कोन के लिए भी यूज होगी, मतलब 2.4 ये भी रहेगी, 2.4 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय हाइट, तो सेकेंड कोन की हाइट जो नीचे कोन बन रहा है उसकी हाइट 1.8 है। ओके, तो 2.4 स्क्वायर दोनों जगह सेम है, आप इसको भी कॉमन ले सकते थे। ओके, चलिए कॉमन ले लेते हैं, ये भी 1/3 3.14, 2.4 स्क्वायर दोनों जगह कॉमन, इसे बाहर निकाल लेते हैं, और 2.4 स्क्वायर का मतलब होता है 5.76 अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे। ब्रैकेट में बचेगा 3.2 + 1.8, इन्हें मल्टीप्लाई कर लोगे तो 5 मिलेगा, तो डायरेक्ट 5 लिख दो आप, इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लो तो आपको आंसर मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली 30.14। तो ये है वॉल्यूम दोनों कोन्स का, ओके, पूरे शेप का ये वॉल्यूम है। चलिए अब फाइंड करते हैं सरफेस एरिया। तो जो कोन बना है इसका हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है। आप देखो एक ये सरफेस है ऊपर के कोन का और नीचे के कोन का ये सरफेस है। पहले सरफेस को आप थोड़ा देख कर समझ लो। ये देखो जी, ये कोन है, तो इस कोन में जो ये सरफेस होता है इसे हम बोलते हैं लैटरल सरफेस, और इसे फाइंड करने के लिए फॉर्मूला जो होता है वो होता है πr l। ओके, और ये जो बेस है इसका एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है πr², ये जो बेस है, क्योंकि बेस सर्कुलर होता है तो उसके लिए हम πr² यूज़ करते हैं। अब जो आपका शेप बना है ना उसमें ये सर्कुलर पार्ट है नहीं, क्योंकि दो कोन्स बन गए हैं ऊपर और नीचे और ये सर्कुलर पार्ट उसमें छिप गया है, और जो पार्ट छिप जाता है हम उसका एरिया फाइंड नहीं करते हैं, हमें वही एरिया फाइंड करना होता है जो सामने दिख रहा है, जो यूज़ किया जा सकता है। अगर आपसे बोला जाए कि इस कोन को पेंट करो, इस कोन को ब्रश करो, इस कोन पर कुछ लिखो, तो आप इसी रीजन में कुछ लिख सकते हैं ना, या इस रीजन में कुछ लिख सकते हैं, जो बीच में सर्कुलर पार्ट है वो छिप चुका है, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो प्लीज़ समझने की कोशिश करें कि हमें ये एरिया निकालना है जो कि πr l से निकलेगा, और ये एरिया निकालना है ये भी πr l से निकलेगा। ओके,
अब एक प्रॉब्लम होगी कि आपको एल नहीं पता होगा, तो एल का मतलब होता है स्लैंट हाइट। अगर आप फर्स्ट कोन में देखोगे तो फर्स्ट कोन के लिए ये जो एक्स है मतलब 3.2 ये हाइट है, और ये पी डी रेडियस है, बीपी रेडियस है, और ये जो आपको दिख रहा है ना ये स्लैंट हाइट कहलाती है। तो ऊपर के कोन की स्लैंट हाइट 4 है और नीचे के कोन की स्लैंट हाइट 3 है। चलिए फाइंड करते हैं हम सरफेस एरिया। सरफेस एरिया फर्स्ट कोन और सेकंड कोन, मैं दोनों का सरफेस एरिया फाइंड करूंगा। सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला बता चुका हूं मैं, पाई आर एल प्लस पाई आर एल। फर्स्ट कोन की स्लैंट लेंथ को, स्लैंट हाइट को मैं L1 मान लेता हूं, एंड सेकंड कोन की स्लैंट हाइट को मैं L2 मान लेता हूं। रेडियस दोनों की सेम है तो इसलिए मैं उसके नाम इस बार नहीं चेंज करूंगा। पाई को 3.14 लिख लेते हैं, 3.14। रेडियस की वैल्यू दोनों के लिए 2.4 थी। L1 प्लस L2, तो फर्स्ट कोन के लिए जो स्लैंट हाइट है आप देखें 4 है, और दूसरे के लिए 3 है, तो आप 4 प्लस 3 लिखो, यहाँ पर 4 प्लस 3 लिखोगे, 4 प्लस 3 ओके। अगर मैं पाई की वैल्यू 22/7 यहाँ लिखूँ ना तो शायद मेरा काम आसान बन जाएगा, तो मैं 22/7 ले लेता हूँ। मल्टीप्लाइड बाय 2.4 मल्टीप्लाइड बाय 7, आप देखें 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा, तो बस आपको 22 और 2.4 को मल्टीप्लाई करना है। तो इन्हें मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलेगा 52.8 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। अगर आप 3.14 लिखे रहते तब भी आपको आंसर इसके क्लोज ही मिलता, तब आंसर होता 50.75 अप्रॉक्सीमेटली, तब भी इतना ही मिलता, तो आप वो भी कर सकते थे, वो मिस्टेक ना होती। आई होप ये पूरी चीज़ क्लियर है। इफ देर इज एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन प्लीज राइट इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू।